तो स्वागत है भाइयों आप सभी के अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों अगर आप ये मुकाबला खेल रहे हैं ड्रीम इलेवन में जो कि ओमान और जापान के बीच एएफसी एशियन कप में खेला जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये मुकाबला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि मैच की डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाए और वीडियो आप पूरा देख भी लें। तो देखिए यहाँ पे बता दें शोया नाकाजीमा जो कि और यहाँ पे हिडेमासा जो मोरिटा जो कि इंजर्ड हैं जापान की तरफ से, और आपको बता दें वाटारू एंडो जो कि अवेलेबल हैं जापान के लिए जो कि बीमारी से जूझ रहे थे और इस मुकाबले में रिकवरी कर लिया उन्होंने, तो हो सकता है इस मुकाबले में इनको चांस मिल जाए। और आपको बता दें जापान ओमान के कोच ने बताया है कि वो स्टार्टिंग 11 में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं, तो आपके लिए ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। तो बिल्कुल सेफ होके खेले, और मैंने पहले ही बता दिया कि एएफसी एशियन कप में आपको बिल्कुल सेफ होके खेलना है, एकदम ना के बराबर इन्वेस्ट करना है। तो वहीं ओमान की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ओमान जहाँ पिछले 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबला जीती है और उनका केवल एक मुकाबला में हार का सामना करना पड़ा। और वहीं जापान की बात करें तो जापान एक भी मुकाबला नहीं हारी, पिछले 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबला जीते और एक मुकाबला इनका ड्रॉ रहा है। तो काफ़ी अच्छी टीम है जापान। तो चलिए मैं बता देता हूं दोनों की जो प्लेइंग 11 रहने वाली इस मुकाबले के लिए। तो जापान की तरफ से आपको शुचुई गोंडा खेलते नजर आ जाएंगे, नागातोमो है, योशिदा है, माकिनो है, सकई हैं, और यहाँ पर जो रिस्की रहने वाले तोमियासु और एंडो में से कोई एक खेलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे शिबासाकी खेलते नजर आ जाएंगे, हरगुची हैं, उनके बाद जो मीनो हैं, दून हैं, और असाको ओसको आपको खेलते नजर आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है जापान की। और वहीं ओमान की बात करें तो अल रशीदी आपको खेलते नजर आ जाएंगे, अल मुसलामी हैं, अल बसेदी, अल विक्री, और उनके बाद जो हैं साद अल मुखनी, और उनके बाद जो अहमद अल महजारी, अल सादी और राइड इब्राहिम साले, अल खल्दी और अल या हमदी, और यहाँ पे अल हजरी या फिर मोहम्मद मोहसिन अल गसनी में से कोई एक खेलेगा। तो यहाँ पे जो है ये प्लेयर रिस्की रह जाएंगे, और मेरे हिसाब से जो ये मुकाबला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहना है तो बिल्कुल ही कम इन्वेस्ट करके चले। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस प्लेयर देख सकते हैं दोनों ही टीमों के जो कि जापान की तरफ से ओसाको हैं और डोआन और योशिदा, और वहीं पर ओमान की तरफ से मोहसिन अल गसनी और राइड इब्राहिम साले हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस प्रकार आप ड्रीम इलेवन की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे गोलकीपर सेक्शन की। तो गोलकीपर सेक्शन में आपके पास जो सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं शुचुई गोंडा और अल रशीदी। तो अल रशीदी को यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो शुचुई गोंडा को ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ही अच्छे पिक हो जाएंगे। और वहीं डिफेंडर सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं तीनों ही जापान के डिफेंडर को लेकर चल रहा हूँ जो कि माया योशिदा, यूटो नागातोमो और हिरोकोई साकाई को, तीनों ही बेस्ट डिफेंडर को यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहें ओमान की तरफ से तो आपके पास जो मोहम्मद अल मुसलामी ये आपको खेलते नजर आ जाएंगे, अल मुसलामी को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो अल बिकरी को ट्राई कर सकते हैं, ओमान की तरफ से अल बिकरी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, और मोहम्मद अल मुखनी को ट्राई कर सकते हैं तो ये आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, ये खेलते नज़र साद अल मुखनी, और मेरे हिसाब से कुछ सेफ ऑप्शन और है नहीं। और वहीं मिडफील्डर की बात करें तो यहाँ पे मैं लेके हराकुची को लेके यहाँ पे मैं चलूँगा, ये मेरे हिसाब से हरगुची बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे आपके लिए मिडफील्डर सेक्शन से। और वहीं पे यहाँ पे ओमान की तरफ से मैं दो मिडफील्डर लेके चल रहा हूँ जो कि अल खालिदी और यहाँ पे इब्राहिम सले, रायद इब्राहिम सले जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं ओमान के। और यहाँ पे मैं जो चौथा मिडफील्डर लेके चल रहा हूँ दोआन को जो कि बहुत ही अच्छे मिडफील्डर हैं जापान के। तो यहाँ पे मैं इन चारों को लेकर चल रहा हूँ। और वहीं फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में मैं युवा ओसाको, और यहाँ पे मैंने लिया है मिनमिनाओ, और यहाँ पे मोहसिन अल हसानी को। तो यहाँ पे मेरे ये जो रहने वाले हैं तीन फॉरवर्ड के प्लेयर। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखिए हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए सबसे सेफ ऑप्शन आपके पास ये हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप जाना चाहें तो इधर भी वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैंने डिफेंडर अगर तीनों ही जापान के रखे हैं तो यहाँ पे मैं वाइस कैप्टन के लिए इस तो दोआन के साथ जा रहा हूँ, और अगर आप जाना चाहें तो हराकुची के साथ जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पिक हो जाएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो ये हमारी टीम रहने वाली इस मुकाबले के लिए, और अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।